नमस्कार। क्या आप सबको अजीब नहीं लगता? हम सब ह्यूमंस हैं, लेकिन फिर भी हम कितने अलग हैं। जैसे कि मम्मी पापा जैसे नहीं हैं और पापा मम्मी जैसे नहीं हैं, फिर भी उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ फीचर्स जैसे कि बालों का रंग, बालों का टेक्सचर, आई कलर इत्यादि हम सबसे मैच करता है। इन्हीं कुछ दिलचस्प बातों को आज हम डिस्कस करेंगे और आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, जो कि NCERT के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग में प्रोफेसर एवं डिपार्टमेंट हेड के पद पे कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। और आज हमारे चर्चा का विषय है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो सर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो क्यों ना समझा जाए कि इनहेरिटेंस क्या है। देखिए, जैसा कि अभी आपने अपने इस विषय को इंट्रोड्यूस करने में ही बताया कि मम्मी पापा अलग अलग हैं और उनके कुछ कुछ गुण जो हैं बच्चों में दिखते हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस विषय का इम्पोर्टेंस क्या है, इस विषय की महत्ता क्या है। जो ये कैरेक्टर्स हैं, हम जो भी बाहर देख रहे हैं किसी भी जीवधारी को, चाहे वो हम हो या कोई प्लांट हो या कोई दूसरा एनिमल हो, ये सभी, इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये सारे कैरेक्टर जब ये इनके ऑफस्प्रिंग्स या संतति आती हैं तो उनमें भी हम देखते हैं। तो क्या इसका कोई प्रिंसिपल है या कोई इसके पीछे नियम है या बिल्कुल रैंडम है? तो ये बड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल था और इसी सवाल का जवाब इसको समझने के बाद हमें मिलता है। और इसकी पूरी जो कहानी है अगर देखी जाए तो बहुत ही, एक तो सरल है इस विषय को, क्योंकि अगर हम अपने करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह विषय हमारे सेकेंडरी स्टेज में भी है और हायर सेकेंडरी स्टेज में बहुत ही डिटेल में इसकी अवधारणा दी गई है। तो इसको थोड़ा सा समझ के दृष्टिकोण से कठिन माना जाता है, स्पेशली सेकेंडरी स्टेज में। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम से जो एक कुछ मिसकॉन्सेप्शंस या जो गलत अवधारणा दिमाग में आ रही है वो भी निकले। तो इसलिए इस विषय को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जब इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को समझने की बात आ रही थी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बट एक जो एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया, और यहाँ मैं बताना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि ग्रेगर मेंडल जो थे, ही वॉज नॉट अ ट्रेंड बायोलॉजिस्ट, ही वॉज बेसिकली बाई प्रोफेशन ही वॉज ए मॉन्क, ही वॉज ए प्रीस्ट इन अ चर्च, बट ही हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेनन ऑफ नेचर। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे जो ये क्वेश्चन जो आज आप पूछ रहे हो, ऐसे ही सवाल उनके दिमाग में भी आए होंगे। तो इसी को समझने के लिए ही वॉन्टेड टू डू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल, सो ही वॉज लुकिंग फॉर सम एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो उन्हें अपने चर्च के ही कंपाउंड में गार्डन पी, जो मटर हम खाते हैं, तो उसके कुछ पौधे दिखे और उसमें उन्होंने देखा कि पौधों में बहुत ऐसे गुण हैं जो कि एक दूसरे, कुछ एक कैरेक्टर मान लिया जाए कि जैसे उन्होंने फूलों का रंग लिया, कलर ऑफ फ्लावर्स, तो कुछ पौधों पे तो लाल रंग के फूल थे, कुछ पौधों पे सफ़ेद रंग के फूल थे। इसी तरह से प्लांट की साइज़ या सीड के शेप, सीड का कलर, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर में उन्होंने एक पैरेललिज्म देखा कि अगर कुछ प्लांट में राउंड सीड है तो कुछ कुछ के सीड जो है वो रिंकल्ड हैं, उनकी उनकी जो सरफेस है वो रिंकल है, झुर्रीदार है। तो वो समझने की कोशिश करते थे कि ऐसा क्यों है। तो इसीलिए उन्होंने फिर इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए और इनहेरिटेंस के लिए कि हर जो, और उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस वक्त सोची वो ये था कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे कंट्रोल होते हैं। तो उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस बनाई, उन्होंने वो हाइपोथेसिस कहा कि हर कैरेक्टर के लिए कोई एक फैक्टर है। अच्छा। ये सारी बातें मैं जो कह रहा हूँ, आज बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं या जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो इन सारे शब्दों से, जीन से, डीएनए से वाकिफ हैं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये 1855-56 में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस वक्त इस तरह की कोई अवधारणा थी नहीं, रादर जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि ये सेल न्यूक्लियस, सेल थ्योरी, ये सब बहुत बाद में आए ये सारे कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने इस सारे एक्सपेरिमेंट को बड़े फंडामेंटल लेवल पे सोचा एंड ही डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो उनका एक्सपेरिमेंट था, इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आप अपने स्क्रीन पे कुछ दिखाएं, ये कुछ सवाल हैं जो कि मिलते हैं, और इसे आगे भी ले चलें, फिर आप इसे आगे ले चलें। तो ये कुछ बच्चों से भी मैं कहूँगा कि ये जो यहाँ लिखा गया है कि अपने फैमिलीज में भी जब आप देखते हैं तो इस तरह के वेरिएशंस मिलते हैं, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया। और फिर आप आगे, मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखें कि ये कुछ कैरेक्टर ह्यूमन बीइंग में भी है,
कि हमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कि कान के जो लोब हैं, मेरा भी कान जो है वो फ्री ईयर लोब का है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिनके लोब्स जो है वो जुड़े हुए होंगे आपके चीक से, तो ये एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है। तो इस पैटर्न को आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट में, अपने पेरेंट में, अपने भाई बहनों में, इस तरह के आप देख सकते हैं रिलेशनशिप में। हाँ, आप कुछ आगे कैरेक्टर और दिखाएं, मैं दिखाना चाहता हूं। ये कैरेक्टर जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है कि दिस इज कॉल्ड विडोज पीक, ये जो पीक है जो मांग दिखाई दे रही है वो थोड़ा आगे की तरफ एक नॉच है। बहुत सारे लोगों में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या एक कनकेव सरफेस बनेगा, उसी तरह से टंग रोलिंग की एबिलिटी आप देखें। ये मैंने एक इंटरनेट से ये पिक्चर लिया है, हालांकि कि इसमें कुछ लोग जो हैं जो अपने जीभ को रोल कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं वो उसको रोल नहीं कर पाते हैं। सबीला जी, आप दिखाएंगे कि आप क्या रोलर हैं कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं शायद। आप करके देखें, सबीला जी नॉन रोलर है। मैं रोलर हूँ। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं। तो इसी तरह से मेंडल ने भी सोचा कि ये जो कैरेक्टर्स हम ऑफस्प्रिंग में बच्चों में देखते हैं उसका पैटर्न क्या है। इसी को समझने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए और वो एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पाइसम सेटाइवम में किया गया। और ये बड़ा एक क्लासिकल और बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि उन्होंने 7 कैरेक्टर चुने। आप इन स्लाइड्स को थोड़ा आगे ले जाएँ तो वो 7 कैरेक्टर भी दिखेंगे। आगे चले आप, फिर मैं वापस लाऊंगा। ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने चुने, आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चुने वो सीड का शेप आप देख रहे हैं, सीड की कलर देख रहे हैं, फूलों का रंग देख रहे हैं, प्लांट की साइज देख रहे हैं, जो फली है पॉड है उसके भी आप शेप को देख रहे हैं और पॉड के कलर को भी देख रहे हैं। तो इस तरह के 7 कैरेक्टर, इवन पोजिशन ऑफ फ्लावर भी देखेंगे कि कुछ पौधों में आप देख रहे होंगे ये फ्लावर जो है वो पौधे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे है, जबकि कुछ फ्लावर आपको जो सबसे बाईं तरफ दिख रहा होगा वो पत्तियों के एक्सिस पे लगा हुआ है, वो एक्सियल पोजीशन है। तो इस तरह से वो बहुत ही केयरफुल एक ऑब्जर्वेशन था ग्रेगर मेंडल का गार्डन पी के प्लांट में, जिससे कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए इन सारे कैरेक्टर्स को चुने। अब उन्होंने किया क्या, जैसा कि आप अभी चर्चा में बता रहे थे कि कुछ हमारे पास सवाल भी आए हैं और एक सवाल जो आपने कहा था कि वो प्योर लाइन, प्योर लाइन का एक सवाल आया था आप अभी चर्चा में पहले जब हम फॉर्मली ये शुरू नहीं हुई थी। तो ये सवाल में मैं बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि हमें 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच एक क्रॉस करना है। उसमें जैसे कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो मतलब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई एक टॉल प्लांट है, लंबा पौधा है, और दूसरा जो ड्वार्फ प्लांट है, बौना पौधा है, उसके बीच में अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो फिर हमें अगले जनरेशन में कैसी संतति मिलती है, कैसे ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, आफ्टर दैट उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैसी मिलती है, उसको भी उन्होंने एक नाम दिया कि अगर हम पहले जनरेशन में जो क्रॉस कर रहे हैं उसको पेरेंटल जनरेशन नाम दिया, उसके बाद वाले को उन्होंने फर्स्ट फिलियल जनरेशन नाम दिया, उसको F1 जनरेशन शॉर्ट में लिखते हैं बायोलॉजी में हम लोग। उसी तरह से जो उसके बाद की जनरेशन है उसको F2 जनरेशन नाम दिया। तो ये F1 F2 इस तरह के जनरेशन उन्होंने नाम दिए। तो पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस के लिए जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन था वो ये था कि इसमें जो दोनों प्लांट हैं वो बिल्कुल ही टॉल हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो जेनेटिक्स में आगे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग कि अगर कोई टॉल प्लांट का बीज सीड लेकर के उसको ज़मीन में बोया जाए, सो किया जाए, देन देयर मे बी इन द नेक्स्ट जनरेशन सम टॉल एंड सम ड्वार्फ। तो इसका मतलब कि उस टॉल प्लांट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि एक दूसरे प्लांट को भी जन्म देता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि वो लाइन हमारी बिल्कुल प्योर हो। मेंडल को पास इसको समझने का और कोई तरीका नहीं था। उन्होंने क्या किया कि उस सीड को सक्सेसिवली 6 जनरेशन तक बोया, इट वॉज सोन इन द सॉयल, और जब हर बार उससे टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट या जो दूसरे एक्सपेरिमेंट थे, चाहे वो फ्लावर कलर के थे, सीड के शेप के थे, तो उसमें जब वो हमेशा 6 जनरेशन तक एक ही तरह के पौधे आते थे तो ये मानते थे कि वो एक प्योर लाइन है, क्योंकि उन्हें उनको ये एस्टेब्लिश करना था कि 2 पैरेलल कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस किया जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। इसको एस्टेब्लिश करना था। तो इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसके पीछे जो उनकी हाइपोथेसिस थी, आप साइंस में हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं कि किसी अवधारणा को पहले तो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो उनकी हाइपोथेसिस थी कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसी न किसी फैक्टर के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है उससे ये कंट्रोल होता है। आज उसी फैक्टर को हमारे बच्चे जो है जीन के रूप में पढ़ते हैं।
और उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उसको हम अलील कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने वैसे डिजाइन किया। अब आप आगे कुछ दिखाएं जो कि हमारे क्लासेस हैं। पहले कि हम आगे बढ़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं, बच्चों के कुछ सवाल थे। पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टर्म्स हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। जी देखिए, ये अशोक जी का प्रश्न है। ये अशोक जी को मैं बताना चाहता हूँ कि इनहेरिटेंस का जो मतलब है, बहुत ही शाब्दिक अर्थ अगर देखें कि द प्रिंसिपल्स इन, एक जो सिद्धांत है जिसके तहत कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर हम इस विषय को पढ़ते हैं। तो एक तरह से हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को हम सिनोनिम के रूप में भी ले सकते हैं। इनहेरिटेंस हो या हेरिडिटी हो, एक कैरेक्टर की या किसी ट्रेट की या किसी लक्षण की पेरेंटल जनरेशन से अगली जनरेशन में जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही इनहेरिटेंस कहते हैं। And heredity is also in a way same thing. एक ही तरह की बात। heredity means के जो character है वो कैसे successive generation में जा रहा है। Okay, so interchangeably use कर सकते हैं। ये synonym के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। Okay. और जो विज्ञान का जो की जो विधा है जिसमें कि इसको हम अध्ययन करते हैं उसे ही genetics कहते हैं। So genetics के अंदर two terms है, heredity and inheritance, which can be used as synonyms. Synonymously use किए जा सकते हैं। And एक और question है सर, राहुल जी का, difference between phenotype and genotype. जी, अभी जस्ट जो मैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, फिनोटाइप जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि जो भी लक्षण किसी भी जीवधारी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम बाहर से देख पाते हैं। तो बाहर से अगर मान लिया जाए कि हमारे हेयर का कलर ग्रे है या ब्लैक है, तो वो एक फिनोटाइप हुआ। अब इस ग्रे कलर के लिए हमारे बॉडी के अंदर वो कौन सा फैक्टर है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, तो वो एक मैकेनिज्म है, वो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो उसी मैकेनिज्म को और वो जो कंट्रोलिंग एलिमेंट को ही मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया था और आज हम उसे जीन के रूप में जानते हैं। अब कोई एक जीन है, तो अभी जैसा मैंने कहा ना कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, मान लो कि रेड कलर फ्लावर और वाइट कलर फ्लावर के बीच में, तो ये जो लक्षण है ये कौन से लक्षण हुए, फूलों का रंग, कलर ऑफ द फ्लावर। लेकिन इसके अब दो आपको अल्टरनेट मिल रहे हैं, तो ये जो फैक्टर है इसके दो फॉर्म हुए ना। हाँ जी, ये दो फॉर्म है, इसे ही आज जो बच्चे एलील्स के रूप में समझ सकते हैं कि दो अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द जीन्स। हाँ जी, और वो फिनोटाइप में भी डिफरेंस है। तो इसी के बेसिस पे मेंडल ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के अंदर। मैं थोड़ा ब्रीफ में बच्चों को यही बताऊं कि ये सारी बातें जब 1856 की थी और मेंडल के अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो गार्डन पी फ्लावर को चुना था, प्लांट को चुना था, उसमें जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो बड़ा यूनिक है। अगर देखेंगे गार्डन पी, वो अगर इस फ्लावर को थोड़ा सा जूम कर पाएँ, इस स्लाइड को आप दिखाएँ, आप इसको अगर जूम कर पाएँ तो, या रहने दें मैं ऐसे ही बताता हूँ। जो तीसरे नंबर पे जो फूल दिखाई दे रहा है ये इस तरह का फ्लावर है कि लगभग पूरी तरह से क्लोज्ड होता है और नॉर्मली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ हुआ, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं हमारे क्लाइंट टेन के बच्चे भी समझते होंगे, कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो एंथर में बनते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा करके पॉलिनेट कर सकते हैं। तो जब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो हम दो अलग अलग कैरेक्टर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जब वो क्रॉस कर रहे थे दो वैरायटी ऑफ प्लांट के बीच में, तो उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लिए थे कि यंग बड के स्टेज में ही फ्लावर में से, जिस में एक्सपेरिमेंट करना है उसमें से एक फ्लावर के सारे एंथर्स को उन्होंने हटा दिया था बहुत ही केयरफुली। इसको ईमैस्कुलेशन कहा जाता है। और इसके बाद फ्लावर को बहुत केयरफुली फिर उसको ढक दिया गया, और जब वो पूरा फ्लावर मैच्योर हो गया तो उस फ्लावर पे, मैं अब चूंकि सिर्फ वो उसका फीमेल पार्ट बचा गाइनीसियम, तो उसके स्टिग्मा के ऊपर जो डिजायर्ड प्लांट से पॉलन ग्रेन था वो लाके उन्होंने उसके ऊपर स्प्रिंकल किया, उसके ऊपर छिड़का एक तरह से। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन फैसिलिटेट किया गया मेंडल के द्वारा। और इसके बाद जो फर्स्ट, जो उसके बाद की जनरेशन आई वो F1 जनरेशन हुई। उस F1 जनरेशन को उन्होंने फिर अलाउ किया सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ही ग्रो करने को। अब आप इसको समझे कि डिजाइन क्या था एक्सपेरिमेंट का, कि दो अलग वैरायटी, दो अलग तरह के कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किए गए। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में वो दोनों के गुण यहाँ आ गए। अब वो गुण आगे कैसे चल रहे हैं इसे देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप आगे दिखाएं तो वो क्रॉस हमें दिखाई देगा। अब ये एक है, ये रिजल्ट है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब जो दिख रहा है बच्चों को स्क्रीन पे, कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में किया गया। तो पहले जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल मिले और उसके बाद के जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले। तो
तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि एक हाइपोथेसिस पहले चलती थी कि अगर किसी गुण को कंट्रोल करने वाला कोई एक फैक्टर ऑर्गेनिज्म में है तो टॉल के लिए भी एक होगा और ड्वार्फ के लिए भी एक होगा। अब आया कि एफ वन जनरेशन में तो हमें सिर्फ टॉल मिल रहा है, तो वो टॉल और ये जो टॉल पेरेंटल जनरेशन में मेंडल ने लिया था, मैंने पहले भी बताया कि वो एक प्योर टॉल था जिसमें कि 6 जनरेशन तक उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि ये प्योर टॉल है जिसमें कोई भी ड्वार्फ नहीं आ रहा है, ड्वार्फ में कोई टॉल नहीं आ रहा है। ये इस्टेब्लिश किया था उन्होंने 6 जनरेशन तक सक्सेसिवली उस सीड को बार बार सोइंग करके। तो अब जो ये एफ वन जनरेशन का टॉल है जो इस क्रॉस में दिख रहा है, आप प्लीज क्रॉस को दिखाएं, तो ये एफ वन जनरेशन का टॉल अब कैसा है, क्या इसमें सिर्फ टॉल वाले गुण हैं? तो इसको देखने के लिए जब इसको एफ टू के लिए दिया गया उस तरह के बीज को सोइंग करने के बाद, तो अब क्या मिला कि बहुत सारे बीज हैं, तो एक रेशियो दिखती है कि टॉल और ड्वार्फ दोनों तो मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टॉल प्लांट के बीज से हमें एफ टू जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल रहे हैं। हाँ जी। और इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और देखा उन्होंने, क्योंकि मेंडल के बारे में एक बात मैं और बताऊं कि ही वॉज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, और इस पूरी जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक मैथमेटिक्स के इंटरप्रिटेशन से समझाने की कोशिश की, ये एक बहुत नई बात थी उस समय के हिसाब से। तो ये जो रेशियो मिला इसको उन्होंने समझने की कोशिश की, तो जो अपनी हाइपोथेसिस में उन्होंने थोड़ा बदलाव किया वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि ये जो टॉल और ड्वार्फ के जो फैक्टर हैं जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो हर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा है। ओके। एक से ज़्यादा आप दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पता नहीं। तो उन्होंने इसको एस्टेब्लिश कैसे किया कि जो एफ टू जनरेशन में वो जो रेशियो मिला है वो 75:25, ये रेशियो तभी संभव है कि जब वो टॉल और ड्वार्फ के जो फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में है वो दो हों, क्योंकि दो जब होंगे तो आप इसके आगे चलें, एक और आपको एक दिखाई देगा, तो ये इससे आप समझ सकते हैं। इसके आप आगे की एक और एक स्लाइड दिखाएं और आगे चलें, प्लीज आगे चलें। और हाँ, ये आप देखते हैं कि अगर जो पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस हैं उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया कि वो दो हैं, तो मतलब टॉल प्लांट को भी के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर कैपिटल टी से मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है, और ड्वार्फ के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से। तो जब ये गैमीट बनते हैं तो ये दोनों फैक्टर अलग होते हैं। ओके। और इसमें से कोई एक फैक्टर फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एफ वन जनरेशन में दोनों से एक एक फैक्टर आता है और वो मिलके एफ वन जनरेशन की का कॉम्बिनेशन बनाता है। okay. और उस एफ वन जनरेशन को फिर आगे जब हम एफ टू जनरेशन में ले जाएंगे, आप इसकी बात की स्लाइड को दिखाएं, ये एफ वन जनरेशन का ही टेबल है। अब ये जो आप अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एफ टू जनरेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, और इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है, एक सवाल आपका और था इसमें कि वो पनेट स्क्वायर क्या है। तो इस तरह के क्रॉसेस को जेनेटिक्स में जहाँ पे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट समझाए जाते हैं, हम इस तरह के पनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कि एफ वन जनरेशन, पुनः आप उस स्लाइड पे जाएं, तो यहाँ उसी पे नहीं, इसके बाद वाले पे प्लीज़। ओके। आप इस नहीं, इसके पहले जाएं प्लीज़। हाँ, तो ये जो एफ वन जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन था वो था टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जैसा मैंने पहले बताया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एफ वन जनरेशन की जो कॉम्बिनेशन थी उसी को सेल्फ पॉलिनेशन से एफ टू जनरेशन रेज किया बनाया। तो दोनों एक ही तरह के कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं। अब मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इसमें अगर दोनों फैक्टर जिसे कि आज बच्चे जीन के अलेल के रूप में जानते हैं वो अगर एक जैसे हैं तो वो कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन कही जाती है। होमोजाइगस का अर्थ हुआ कि या तो दोनों कैपिटल टी होगा या दोनों स्मॉल टी होगा। और ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए भी ये ट्रू होगा, मैं आगे समझाऊंगा इस बात को। उसी तरह से हेटरोजाइगस जो होता है कि जब एफ वन जनरेशन में दो अलग अलग तरह के पेरेंट के कैरेक्टर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया मेंडल ने जो टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में किया, उसमें जो एफ वन जनरेशन आया, जैसा कि आपने देखा कि अब उसमें जो उनका इंटरनल कॉम्पोजिशन है जिसे कि मैं जीनोटाइप कह रहा हूँ या हम जीनोटाइप कहते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो अगर आगे सक्सेसिव जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम इस तरह के पनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो दो टी राउंड में दिखाया गया है दोनों तरफ, वो एक तरह से गैमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस गैमिट्स के रैंडम फ्यूजन्स हैं। सो अगर दोनों कैपिटल टी वाले मिलेंगे तो एक डोमिनेंट ट्रेट होगा, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी वाला मिलेगा तो वो एक हेटरोजाइगस कंडीशन होगी। तो ये जो 3:1 रेशियो आया
जो अब इसके पहले मैंने दिया, यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो इसमें आप देखेंगे 3:1 रेशियो इसलिए आया कि F1 जनरेशन में आपने पहले देखा कि दो कैरेक्टर में से एक ही कैरेक्टर दिखा, एक्सप्रेस हुआ, तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वही कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो एक रेसेसिव कैरेक्टर है। अब इसके आगे जाके और भी व्याख्याएं हैं, बच्चे और पढ़ेंगे, और आगे भी मैं इसकी चर्चा करूंगा कि मैंने इस विषय को लिया है और जेनेटिक्स के इनहेरिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट को मैं आगे और क्लियर करता जाऊंगा। तो इसमें और उसके बाद F1 जनरेशन से जो F2 आ रहा है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखें कि इस पनेट स्क्वायर से क्लियर होता है कि जो ऑफस्प्रिंग में फैक्टर्स या जीन्स के अलेल्स वो ऑफस्प्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली हो रहे हैं, और उस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही हमें ये रेशियो मिलता है 3:1। इसका अर्थ ये हुआ कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे कि हम हेटरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, वो हेटरोजाइगस अवस्था में जो फैक्टर या जीन डोमिनेंट होगा सिर्फ वही एक्सप्रेस होगा, और जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा है वो कब एक्सप्रेस होता है, जब वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में हो, जब दोनों स्मॉल टी एक साथ है। आप अगर उस रेशियो को दोबारा दिखाएं स्पिनेट स्क्वायर को, तो स्पिनेट स्क्वायर में ड्वार्फ वाली कंडीशन जो चार पॉसिबिलिटी है, इट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, तो इस चार पॉसिबिलिटी में तीन ऐसी संभावनाएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगी, और सिर्फ एकमात्र संभावना ऐसी है जहां की ये ड्वार्फ होती है, और यही रेशियो मेंडल को मिला। अब जो मैंने आपने दिखाया आपको कि वो जो उसके ऑब्जर्वेशन थे, मेरे इसमें एक टेबल भी है, आप वो टेबल दिखाएं प्लीज। हाँ, आप ये देखें, एक्चुअली उनके कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं ये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राउंड और रिंकल्ड सीट के बीच में जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या देखा कि वो 2:1 का रेशियो है, येलो ग्रीन सीट के बीच किया तो 3:01:1 का रेशियो है, रेड और वाइट के बीच, तो ये आप क्लियर कट दिख रहा है कि एक डोमिनेंट ट्रेट और दूसरे रिसेसिव ट्रेट के बीच में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जा रहा है तो 3:1 का रेशियो आता है, और ये रेशियो तभी संभव है जब हर फैक्टर के लिए दो अल्टरनेट्स हों, जिसे कि हम जीन्स के अलेल कह रहे हैं। अब आप आगे चले, अब इसको आगे तो और देखा जाए। सीमा जी का भी प्रश्न है, व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, तो रिसेसिव ट्रेट्स तभी दिखेंगे जब वो होमोजाइगस होंगे। जी बिल्कुल, जब वो तभी दिखेंगे जब वो होमोजाइगस होंगे। ओके, और आप इसको थोड़ा और मैं समझा दूं बच्चों के लिए कि ये ऐसा क्यों है। देखिए, ये तो जीन है, वो जीन क्या करता होगा, तो कुछ तो जीन के मैकेनिज्म है। तो बेसिकली अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लें तो आज इसकी पूरी समझ विकसित हो चुकी है कि टॉल प्लांट का जो वो जीन है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए। तो अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छी मात्रा में बन रहे हैं तो प्लांट टॉल होगा, लेकिन अगर उस जीन में कुछ म्यूटेशन है या कुछ चेंजेस है जिससे कि वो जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो कम मात्रा में बनते हैं, तब वो प्लांट ड्वार्फ हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली जीन्स जो हैं वो एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये सारी समझ तो बाद में आई, मेंडल ने इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में देखा, लेकिन ये सारी समझ बाद में आई। अब आगे चले आप, और मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूँ। अब ये कुछ सवाल है, वैसे बच्चे सोच सकते हैं इस तरह के सवाल अगर वो हल करें कि व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू डू टू कंफर्म इन F2 जनरेशन अगर 1:2:1 रेशियो है, तो ये बच्चों के लिए मैंने सवाल छोड़ रखे हैं, वो अपने प्रयास करें। आगे कभी अगर इस पर कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं इसकी जवाब दूंगा। मैं आगे चलें, अब ये कुछ ऐसे ही मैंने ब्लैंक पनेट स्क्वायर दिए हैं, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से इनहेरिटेंस का पैटर्न आगे आता है। क्विकली आगे चलें कुछ और इन सब प्रश्न का उत्तर आप हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल के द्वारा हमें भेज सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में आप सबको हमारे अच्छे कैंडिडेट्स को उसमें मेंशन कर सकें। हाँ, अभी एक सवाल आपने और पूछा कि गैमिट्स कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जाए एक कैरेक्टर हमने लिया है टॉल और ड्वार्फ प्लांट का, पहले ही मैंने दिखाया कि अगर उसे हम होमोजाइगस है तो कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेटरोजाइगस है तो एक कैपिटल टी और दूसरे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यही कॉम्बिनेशन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो तब क्या करें, ये बड़ी समस्या है। तो ये इसमें आप देखें कि मैंने इसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, अभी जो दिखाई दे रहा है आपको कि जब दो कैरेक्टर को जब हम एक साथ ले रहे हैं तो ये समस्या सबसे ज़्यादा बच्चों के सामने आती है, और इसको बहुत ही आसान करने का एक तरीका जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट को कहूँगा और टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ये प्रैक्टिस कराएं, आप इसे फिर से दिखाएं एक बार
कि इसमें ए जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेम ऑर्गेनिज्म में अगर ये हैं तो पहले तो ए और ए दोनों सेपरेट होंगे, पहला कैरेक्टर, और ए की प्रोबेबिलिटी बी के साथ बराबर होगी, चाहे वो कैपिटल बी जो डोमिनेंट ट्रेट है उसके साथ वो कंबाइन होकर गैमेट बनाए या स्मॉल बी के साथ बनाए, एंड वही संभावना नीचे स्मॉल ए के साथ भी है। तो अगर दो कैरेक्टर जब हम एक साथ ले रहे हैं तो हेटरोजाइगस कंडीशन में चार तरह के गैमेट बनेंगे, जैसा कि यहाँ डिपिक्ट किया गया है। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में आगे डाई हाइब्रिड या तीन कैरेक्टर लेके ट्राई हाइब्रिड ये सारे क्रॉसेस भी किए, तो उसके रिजल्ट आप प्लीज़ आगे दिखाएं, मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों को। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप इसमें देखें कि पेरेंटल जनरेशन में राउंड और येलो सीड थे, और दूसरी तरफ उसके जो पैरेलल कैरेक्टर था वो रेंकल्ड और ग्रीन, मतलब सीड का सेब आप देख रहे होंगे झुर्रीदार है और उसका रंग जो है वो हरा है। F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो सिर्फ राउंड और येलो का आया, वो दिख रहा है यहाँ पे इस पनेट स्क्वायर में। और F2 जनरेशन को जब उसी तरह से एक बड़ा पनेट स्क्वायर इस बार बनाना पड़ा, इसलिए कि चार तरह के अलग अलग गैमिट बन रहे हैं जैसा कि मैंने पहले ए और बी के इस रिप्रेजेंटेशन से बताया था। तो इसमें आप रेशियो देखें 9:3:3:1, मैं अभी सिर्फ जो रेशियो फिनोटिपिकली दिखते हैं वो बात कर रहा हूँ। अगर इनके जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस को देखने तो आपको उस टेबल को देखना पड़ेगा, उस टेबल के अंदर 9 में भी वेरिएशन है जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था, 3:1 में भी वो 1:2:1 होता था, 1 होता था दोनों कैपिटल टी, 2 होता था एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, और फिर 1 होता था दोनों स्मॉल टी। उसी तरह से ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, आप फिर से दिखाएं, इसमें भी वेरिएशंस हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो जो 9:3:3:1 है मैं उसकी बात बहुत जल्दी से करना चाहता हूँ, समय थोड़ा कम है हमारे पास, कि हमने शुरू किया था दो कैरेक्टर से, दो कॉम्बिनेशन से, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, और हमें यहाँ पे रेशियो क्या मिले 9:3:3:1 में राउंड येलो भी मिला, रिंकल ग्रीन भी मिला, इसके साथ हमें नए कॉम्बिनेशन मिले राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आया। आप क्विकली अगली एक स्लाइड दिखाएं, तो इसी तरह से आप ट्राई हाइब्रिड को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ए बी सी तीन कैरेक्टर हो तो ट्राई हाइब्रिड के भी रेशियो आप आगे दिखाएं, आगे चलें प्लीज। ये आप ट्राई हाइब्रिड का एक पनेट स्क्वायर है, मैंने इसको जान के इनकम्प्लीट रखा है, बच्चे इसको जरूर कोशिश करें, और टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि इसको प्रैक्टिस कराएं जिससे कि बच्चों की समझ विकसित हो, और आगे चलें प्लीज़ आप। अब आप देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बहुत क्विकली ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हमें एक पैटर्न दिखता है कि F2 रेशियो में रेशियो हमारा 3:1 था, दो ही तरह के फिनोटाइप थे, और जीनोटाइप्स तीन बनते थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तीन जीनोटाइप बन रहे हैं। आप डाईहाइब्रिड में आए, इसके बाद की स्लाइड को देखें आप, तो हमें यहाँ पे 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है, टोटल फिनोटाइप जो मैंने पिछला अभी एक क्रॉस दिखाया था चार तरह के बनते हैं, और इनकी जीनोटाइप्स को अगर आप एनालाइज करेंगे उस टेबल को तो 9 तरह के अलग अलग जीनोटाइप मिलेंगे। मैं बच्चों से, सबके पास किताबें हैं, NCERT की भी पुस्तक है, उसमें वो देखें कि ये रेशियो किस तरह के जीनोटाइप्स हैं, तो इससे हमें एक पैटर्न दिखता है। आप अगली स्लाइड फिर दिखाएं जल्दी से, तो F3 जनरेशन में फिर ये रेशियो 27:9:9:3:9:3:1 का रेशियो मिलता है, और इसमें 8 तरह के फिनोटाइप हैं और जीनोटाइप 27 टाइप्स के हैं। एक टेबल और देखें आप, इससे आपको समझ में आएगा। अब आप इस टेबल को देखें, इस टेबल में मैंने समराइज करने की ये कोशिश की है कि जब अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो दो तरह के गैमीट बनते हैं, F2 के फिनोटाइप्स भी दो हैं, जीनोटाइप 3 है, डाईहाइब्रिड में चार तरह के गैमीट बनते हैं, चार फिनोटाइप है, 9 जीनोटाइप बन रहे हैं, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर, ट्राई हाइब्रिड में 8, 8 एंड 27 का है। सो डोंट वी फाइंड ए पैटर्न, इट इज फिनोटाइप इज 2^n, जीनोटाइप इज 3^n, इट इज अ काइंड ऑफ पैटर्न विच वी कैन एस्टैब्लिश, और ये हमें इनहेरिटेंस के पैटर्न में एक तरह के प्रेडिक्शन की एबिलिटी देता है कि यार हमें पता है कि एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर है, तो कैसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ये आप हमें ये एबिलिटी देता है। इस टेबल को जल्दी से आप दिखाएं, इसमें लास्ट में मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि उस टेबल में आप जो दिख रहा है 2^23, ये अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें कि 23 ऑर्गेनिज्म हो जिसमें 23 कैरेक्टर हो, तो सिर्फ दो जनरेशन में जो फिनोटिपिक वेरिएशन बन सकते हैं वो साहब 8 मिलियन से ज़्यादा है। आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा गार्डन पी का प्लांट होता जिसमें 23 कैरेक्टर होते और वो क्रॉस हम कर पाते,
तो उस क्रॉस को हम मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते थे। 23 कैरेक्टर मैंने इसलिए लिया कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जो रैंडमली जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है उसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है वेरिएशन के लिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इनहेरिटेंस की समस्या के साथ साथ हम वेरिएशन को भी समझ सकते हैं। तो एक तरीके से गुत्थी सुलझ चुकी है कि क्यों सारे ह्यूमंस अलग अलग दिखाई देते हैं। जी, तो आज हमने समझा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कुछ और प्रश्न या सुझाव हो आज के एपिसोड से जुड़े हुए, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच। धन्यवाद।